जय श्री राम दोस्तों, अभी मैं लेटने का अभ्यास बताने जा रहा हूँ, किस प्रकार हम लेटें, किस प्रकार सोएं। तो पहले मैं लोगों का गलत पोस्चर बताता हूँ कि वो किस प्रकार गलत तरीके से बैठते हैं। तो यदि हम अक्सर लोगों को देखते हैं कि या तो वो उल्टे सोते हैं, इस प्रकार ऐसे सो जाएंगे, या फिर ऐसे सो जाते हैं, ऐसे सो जाएंगे, इस प्रकार सो जाते हैं, या फिर उल्टा पुल्टा ऐसे सो जाएंगे। तो ये सारे पोस्चर हमारे गलत तरीके में आते हैं। कभी भी हम अक्सर आप लोगों को देखते हैं, काफ़ी मैंने लोगों को देखा हुआ है कि वो लेट के जब पेट के बल लेटते हैं तो अक्सर ऐसे ज़्यादा सोते हैं या जैसे भी सोएंगे इस प्रकार। तो इससे क्या होता है, जब हम उल्टा पेट के बल सोते हैं तो हमारा हार्ट यहाँ पर प्रेस होता है, जिससे हमारा ब्लड का सर्कुलेशन पूरी तरह नहीं हो पाता है। जब हमारा ब्लड का सर्कुलेशन पूरी तरह से अच्छे से नहीं हो पाएगा तो हमें अब हमारी जो अर्टरी हैं, हमारी जो धमनियां हैं, उनमें अवरोध होना चालू हो जाता है। तो इसीलिए हम जब भी लेटें तो पेट के बल ना लेट के, पेट के बल भी अगर आपको कभी जैसे विश्राम करना हो, अगर कोई मजबूरी है, या वैसे भी यदि आपको कभी सोना हो तो आप इस प्रकार सो सकते हैं। अपने दोनों हाथों को इस प्रकार रख लें और हल्का सा ये जो कान की आपकी पुतलियाँ हैं उनको इस प्रकार रख लें, या फिर इधर साइड में ये। तो इस प्रकार हम पेट के बल सो सकते हैं। जब हम इस प्रकार सोएंगे तो यहाँ पे हमारा हल्का ये हार्ट का जो पार्ट है तो वो उठा हुआ रहता है, पूरी तरह से नहीं दबता है। तो इससे जब हमारा हार्ट पूरी तरह नहीं दबेगा तो हमारी जो ब्लड का सर्कुलेशन वो धीरे धीरे चलता रहता है। अब क्या करना है, मैं आपको सही तरीका बताता हूँ कि हम किस प्रकार हमें सोना चाहिए। जो भी चाहते हैं कि हम सही तरीके सोएं तो वो इस चीज़ को ज़रूर देखें, क्योंकि गलत तरीके सोने से हमारे कई प्रकार के रोग होते हैं जो कि मैं बाद में बताऊंगा। तो जब भी हम सोएं इसको ध्यान रखें, आपके हाथ साइड में रहें, इस प्रकार पैरों में थोड़ा गैप रखें और अपनी कमर गर्दन को सीधा रखें। ये सोने का सही तरीका है। और अगर आपको करवट से सोना हो तो यहाँ पे आप पिलो लगा सकते हैं, इतना बड़ा, जिसको यहाँ पे रख के, जिससे कि हमारी ये लाइनिंग एक सीधे में बनी रहे। अगर आप इस प्रकार सोएंगे तो हल्की सी हमारी जो गर्दन है वो नीचे डाउन हो जाती है, जिससे कि हमें गर्दन के थोड़े से पेन हो जाता है। तो इस प्रकार आप यहाँ पे अपना कुछ पिलो हल्का सा रख सकते हैं, या अपने हाथ को इस प्रकार रख सकते हैं, और दूसरा हाथ है उसको इस प्रकार रख लीजिए, यहाँ रख लीजिए, पैरों को सीधा कर लीजिए। अगर आपको पैर मोड़ने हैं तो इस प्रकार सो सकते हैं, यहाँ पर कुछ कपड़ा लगा लीजिए, या फिर आप इस प्रकार भी सो सकते हैं, इसको हल्का ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन हमारी ये कमर सीधी रहनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। और जब उठें आप तो इस प्रकार बैठ जाएं आराम से बाएं करवट लेके। तो आज मैंने आपको सोने का सही तरीका बताया, क्योंकि गलत तरीके सोने से हमें कमर के दर्द के रोग हो जाते हैं। तो यदि हम चाहते हैं कि हमें कभी कमर का दर्द ना हो, हमारी गर्दन में कभी दर्द ना हो, क्योंकि कभी कभार लोगों की सोने से भी गर्दन दुखने लग जाती है गलत तरीके सोने से, तो उसको ध्यान रखना है। जब भी हम सोएं कमर को सीधा करके सोएं। धन्यवाद।